भारत को क्रिकेट की दुनिया में अलग मुकाम पर ले जाने वाले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। धोनी ने बतौर कप्तान भारत को साल 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी दिलाई थी। भारत ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जितनी सफलता हासिल की, शायद ही किसी भारतीय कप्तान के पास इतना बड़ा रिकॉर्ड हो। धोनी के रिटायरमेंट की घोषणा ने एक ओर जहां उनके चाहने वालों को मायूस किया, वहीं ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे समय में धोनी ने संन्यास लेने की घोषणा क्यों की। महेंद्र सिंह धोनी चाहते थे कि वो भारत को एक और बड़ा खिताब दिलाकर संन्यास की घोषणा करेंगे। इसके लिए वो T20 वर्ल्ड कप का इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन कोरोना वायरस ने उनकी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। T20 वर्ल्ड कप टाल दिया गया और धोनी जिस तरह से क्रिकेट को अलविदा कहना चाहते थे वो हो नहीं सका। महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास की घोषणा पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा, धोनी काफी समय से IPL T20 टूर्नामेंट का इंतजार कर रहे थे। कोरोना ना होता तो शायद IPL मार्च अप्रैल में होता। IPL में उनका अच्छा परफॉर्मेंस उनके लिए T20 वर्ल्ड कप के दरवाजे भी खोल देता। धोनी की चाहत थी कि वो भारत को अगला T20 वर्ल्ड कप दिलाने के बाद संन्यास की घोषणा कर देते, पर कई बार कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती। कोरोना वायरस ने सब कुछ बर्बाद कर दिया।